हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज। एनसीएल 2.0 10 के दम राउंड 2 में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि माइनिंग सरदार और सर्वे का जो वैकेंसी आई थी उसी के रिगार्डिंग जो है हम क्लास स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो 2.0 क्लास है ये बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम में। जो प्रिपरेशन जो आप कर रहे हो उसमें एक बूस्टर का काम करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसीलिए इसको लाया गया है। तो डेली अगर आप 10 का दम राउंड देखते हो तो आप ये एनालाइज कर सकते हो कि आपकी पोजीशन कहाँ पे है, ओके। आपकी क्या कितनी प्रिपरेशन हुई है, क्या आप इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हो, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर आप सही दे पा रहे हो। 10 सेकेंड के अंदर आपको इसका आंसर देना है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो तो माइनिंग का जो है ये मिक्स क्वेश्चन होंगे, आप इसको देख सकते हो, ओके। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। देखो राउंड वन में जो राउंड वन था उसमें जो है क्वेश्चन नंबर जो 8 था, राइट। तो वो क्वेश्चन में देखो एरर था, मैं उसको हटा दिया है क्वेश्चन को मैंने, लेकिन इसमें मैं आपको करेक्ट कर रही हूँ। जो वेंटिलेशन प्लेन, ठीक है, वेंटिलेशन प्लेन ऑफ माइन शुड बी ऑन रेफरेंस स्केल ऑफ, देखो खानों का सहायता योजना किस संदर्भ पैमाने पर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो आपको दिया था ऑप्शन उसे 1:2000 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। एक और चीज समझो कि 1:1000 भी दिया होता है कभी कभी, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1:2000, ओके, और 1:1000 दोनों ही सही है, दोनों ही आंसर सही हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये ना देख के ये देता है, तो आप ये लगा सकते हो। अगर ये नहीं है तो ये लगा सकते हो, ठीक है। और दोनों दिया है तो दोनों लगा सकते हो, यानी बोध ए एंड बी ऐसे ऑप्शन में दिया है तो भी लगा सकते हो, ठीक है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है स्टोन डस्ट बैरियर आर इनवेरिएबली प्रोवाइडेड इन। तो वो जो स्टोन बैरियर होता है हमेशा उसको प्रदान किया जाता है किस डिग्री में, देख पा रहे हो, ओनली डिग्री वन, ओनली डिग्री 1 और 2, ओनली डिग्री 2 और 3, या फिर डिग्री 1, 2, 3 सब में प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओनली डिग्री 2 और 3। क्या हो जाएगा, ओनली डिग्री 2 और 3। कैसे, यहाँ पे देखो समझो, यहाँ पे जो आपका स्टोन डस्ट बैरियर है वो माइन में फर्स्ट डिग्री की बात करें तो वो डेवलपमेंट में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है, डेवलपमेंट में, अगर हम फर्स्ट डिग्री की बात करते हैं, ठीक है, तो इसको डेवलपमेंट में लगाया जाता है। लेकिन अगर हम टू, ठीक है, सेकंड और थर्ड डिग्री की बात करें तो इसको डी पिलरिंग में लगाया जाता है। कहाँ पर, डी पिलरिंग में लगाया जाता है, ठीक है, ताकि जो अगर एक्सप्लोजन हो जाए तो ये पूरे माइन में ना फैले, ठीक है, स्प्रेड ना हो, इसको रोकने के लिए लगाया जाता है बेसिकली। तो यहाँ पे स्टोन डस्ट बैरियर प्रदान किया जाता है ओनली डिग्री 2 और 3 में, ठीक है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ ब्रेक ऑफ डंपर, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन से निम्नलिखित में से कौन सा डंपर का ब्रेक नहीं है, पार्किंग ब्रेक, सर्विस ब्रेक, रिटार्ड ब्रेक, स्टॉपर ब्रेक। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टॉपर ब्रेक, ठीक है। पहली बात तो ये समझो कि डंपर की जब हम बात करते हैं तो 5 ब्रेक्स हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। एक तो हो गया आपका सर्विस ब्रेक, ठीक है, इसमें दिया हो ऑप्शन में। उसके बाद रिटार्ड ब्रेक, ये भी दिया है ऑप्शन में। उसके बाद पार्किंग ब्रेक, ये तो सबसे पहले ही दिया हुआ है। उसके बाद डंप ब्रेक हो जाएगा, डंप ब्रेक, और एक इमरजेंसी ब्रेक, ठीक है, इमरजेंसी ब्रेक। तो ये बेसिकली 5 जो आपके ब्रेक हैं डंपर के, ये पता होना चाहिए आपको। तो उसमें से स्टॉपर ब्रेक कुछ नहीं होता, स्टॉपर ब्रेक यहाँ पे दिया हुआ है, यही गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नॉट पूछा है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्टॉपर ब्रेक नहीं होता है, डंपर का ब्रेक नहीं है ये, बाकी सब इसके डंपर के ब्रेक है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अरेंज द फ्लोइंग विथ इंक्रीजिंग फिक्स्ड कार्बन कंटेंट, क्वेश्चन में कह रहा है स्थिर कार्बन सामग्री के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करिए, ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग, जैसे कार्बन कंटेंट किसमें सबसे ज्यादा है उसके बाद से हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको क्या करना है, व्यवस्थित करना है, मिलाना है इसको। ऑप्शन ये देख पा रहे हो, लिग्नाइट, बिटुमिनियस, सब बिटुमिनियस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, सब बिटुमिनियस, बिटुमिनियस, एंथ्रासाइट, या फिर एंथ्रासाइट, बिटुमिनियस, सब बिटुमिनियस, लिग्नाइट, या फिर नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देखिए, फटाफट कमेंट करके दीजिए। चलिए देखते हैं कौन इसका राइट आंसर जल्दी देता है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिग्नाइट होता है सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट, उसके बाद फिर सब बिटुमिनियस, फिर बिटुमिनियस, फिर एंथ्रासाइट, ठीक है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है ये। तो
तो यहाँ पे कह रहा है इंक्रीजिंग फिक्स्ड कार्बन कंटेंट, कार्बन कंटेंट की मात्रा जो है बढ़ती जाती है, तो सबसे ज्यादा किस में होती है याद रखिएगा, सबसे ज्यादा एंथ्रासाइट में होती है, लास्ट है ये, फिर विटामिन ए, सब विटामिन ए, फिर लिगनाइट, ओके याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो, व्हेन कंबशन इज डन विद द प्रेजेंस ऑफ इनएडिक्वेट एयर व्हाट विल फॉर्म। अब कहता है कि जब अपर्याप्त वायु की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो क्या बनेगा। यहाँ पर कहना ये जा रहा है जब कंबशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इनएडिक्वेट एयर, ठीक है, मतलब हवा की मात्रा नहीं है वहां पे, तो क्या बनता है। तो यहाँ पे बनता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हवा की मात्रा वहां पे कम है, ठीक है, इनएडिक्वेट एयर मतलब कि हवा की मात्रा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ना के बराबर समझो, तो उस समय बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन अगर यहाँ प्रेजेंस बोलता कि प्रेजेंस ऑफ एडिक्वेट एयर बोलता तो आपका बनता CO2, ठीक है, याद रखिएगा इसको, CO2 बनता, ठीक है। अगर दहन किया जाता है तो वहां पे अगर एयर की मात्रा है तब तो CO2 बनेगा, लेकिन हवा की मात्रा नहीं है, इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ एयर, देन क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। वोफ इन रिलेशन टू बिलो ग्राउंड वर्किंग मीन्स, अब कहता है बिलो ग्राउंड वर्किंग के रिलेशन में वोफ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब बताना आपको। यहाँ पे बोल रहा है कि बिलो ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे वर्किंग के संबंध में वोफ का मतलब क्या है। कोल हैज बिन एक्सट्रैक्टेड बट स्टिल अ वर्किंग प्लेस, कोल हैज बिन एक्सट्रैक्टेड बट नाउ नॉट अ वर्किंग प्लेस, और लास्ट ऑप्शन वर्किंग प्लेस ऑफ बिलो ग्राउंड माइंस। चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दीजिए फटाफट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोल हैज बीन एक्सट्रैक्टेड बट नाउ नॉट अ वर्किंग प्लेस, मतलब कोल को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है लेकिन ये कोई वर्किंग प्लेस नहीं है अब, ओके तो ये इसका मतलब होता है, गोफ का मतलब होता है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, गोफ से क्वेश्चन आते हैं काफी सारे। तो बेसिकली गोफ क्या होता है, तो गोफ का मतलब क्या होता है, पिलर या फिर पार्ट ऑफ पिलर विच हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, ओके। तो यहाँ पे ये समझो कोल को एक्सट्रैक्ट तो कर लिया जाता है उस माइन से, लेकिन वो वर्किंग प्लेस नहीं रह जाता है, ओके याद रखिएगा इसको। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 देखो। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्राइमरी स्टेज ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग, निम्नलिखित में से कौन सा सहस्त्राब्द का प्राथमिक चरण है। तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग का प्राइमरी स्टेज पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन दिया स्वीटिंग ऑफ स्ट्रेटा, क्रैश ऑफ पिलर, सैगिंग ऑफ रूफ, या फिर ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे फटाफट दीजिए। और एक और दोस्तों, एक और चीज आपसे कहना था कि जब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो ऐसे नहीं लिखना है कि ए बी सी डी ऐसे करके नहीं बोलना, तो मुझे थोड़ी समझ में आएगा कि आप ए किसका आंसर आप दे रहे हो, तो आपको आगे भी लिखना होगा कि 1 का ए या फिर 2 का डी, इस टाइप से आपको करना होगा, राइट। तो इस तरीके से करिएगा और कोशिश करिएगा कि एक ही कमेंट करें कि 1 का 2 होगा, 3 का 4 होगा, इस टाइप से लिख के आप रखो, फिर आप जो है उसको पोस्ट करो, ठीक है। ऐसे नहीं करना 1 का फिर आप लिख दिया ए फिर लिख दिया सी, तो इस तरीके से थोड़ा काफ़ी इंटरमिंगलिंग हो जाता है ना, समझ में नहीं आता कि कमेंट्स क्या कहना चाह रहे हो आप, ओके। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, देखते हैं किसका राइट आंसर होता है। ओके, तो अगर हम प्राइमरी स्टेज की बात करते हैं स्पॉन्टेनियस हीटिंग की, तो सबसे पहला तो होता है आपका स्वीटिंग ऑफ स्ट्रेटा, बिल्कुल सही दिया है। फिर दूसरा होता है फेंट हेज, ठीक है, क्रश ऑफ पिलर यहाँ पे लिखा हुआ, ये नहीं होगा, फेंट हेज होता है, फेंट हेज। फिर थर्ड आपका होता है फेंट ऑर्डर ऑफ गोब स्टिंक, ओके गोब स्टिंक। फिर आपका होता है चिरपिंग ऑफ कॉकरोचेस। तो बेसिकली यही होता है स्पॉन्टेनियस हीटिंग का जो प्राइमरी स्टेज होता है, इस तरीके से होता है, ओके। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप कि मैंने आपको बताया कि क्या प्राइमरी स्टेज है, तो इसमें से एक पहला ऑप्शन ही सिर्फ सही होगा, स्वीटिंग ऑफ स्ट्रेटा विल बी द राइट आंसर, ओके याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। बाकी क्रश ऑफ पिलर, सैगिंग ऑफ द रूफ ये नहीं होगा, ठीक है, पहला इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ड्रग लाइन इज यूज फॉर, ड्रग लाइन का प्रयोग किया जाता है किस लिए, लोडिंग ऑफ कोल, लोडिंग कोल फ्रॉम फेस टू हॉल रोड, एक्सकवेशन ऑफ सॉफ्ट रॉक्स एंड अनकंसोलिडेटेड मास, या फिर ऑल ऑफ द अबव जो आपका सही हो जाएगा। चलिए इसका तो आप आंसर फटाफट बता ही दोगे यार, बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो आंसर दो इसका। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा राइट, एक्सकवेशन ऑफ सॉफ्ट रॉक्स एंड अनकंसोलिडेटेड मास, ठीक है। तो ये क्या करता है, बेसिकली खनन करता है ना, एक्सकवेशन करता है सॉफ्ट रॉक का और अनकंसोलिडेटेड मास का, ओके याद रखिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखो।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सेफ्टी डिवाइस ऑफ बेल्ट कन्वेयर. क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बेल्ट कन्वेयर का सुरक्षा उपकरण है. पुल कॉर्ड, प्री स्टार्ट एवीए, सिक्वेंशियल कंट्रोल या फिर ऑल ऑफ द अबव. ये सब सही हो जाएगा. बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पे देख पा रहे आप पुल कॉर्ड बिल्कुल सही है, प्री स्टार्ट एवीए बिल्कुल सही है, सिक्वेंशियल कंट्रोल बिल्कुल सही है. तीनों ही राइट आंसर आपका हो जाएगा. और एक क्या होता है, लिमिट स्विच होता है. क्या होता है, बेल्ट कन्वेयर सेफ्टी डिवाइस में लिमिट स्विच होता है, होल्ड बैक होता है ना, होल्ड बैक होता है. तो ये सब भी होता है. तो ये आपका दिया हुआ ऑप्शन में तो ये तीनों ही सही हो जाएंगे. तीनों ही सही है. ठीक है, सेफ्टी डिवाइस होता है बेल्ट कन्वेयर में, पुल कॉर्ड, प्री स्टार्ट एवीए और सिक्वेंशियल कंट्रोल. ओके चलो तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्टीपर ग्रेडियंट. तो चार ऑप्शन में से बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा त्रिढाल है. 1:7, 1:8, 1:9, 1:12. क्या होगा इसका राइट. तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1:7. क्या हो जाएगा, 1:7. देखो जितना वैल्यू जो ग्रेडियंट का है, जितना ज़्यादा हायर होगा नंबर ऑफ वैल्यू, जितना ज़्यादा हायर होगा ग्रेडियंट का, उतना जो स्लोप है ग्रेडियंट का वो क्या होगा, लेसर होगा. क्या होगा, लेसर होगा. ठीक है, हायर द नंबर वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट, लेसर द स्लोप ऑफ ग्रेडियंट. ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. ओके, इसका राइट आंसर 1:7 हो जाएगा. चल क्वेश्चन नंबर 10 देखो. विच ऑप्शन इज करेक्ट पेयर. कह रहा कौन सा विकल्प सही युग्म है, यानी कि ऑप्शन दिया हुआ देख पा रहे हो कौन सा सही मैच है. तलचर कोल माइंस जानते हो, चिरमिरी कोल माइंस दिया है, झरिया कोल माइंस सुहागपुर दिया है. तो तलचर कहाँ पे है भैया, उड़ीसा में है. बिल्कुल उड़ीसा में है. अरे मैं क्यों बता रही हूँ, तो आपको बताना है ना. सॉरी. चलो ये बताओ आप लोग, तलचर ये सब दिया है, चिरमिरी झारखंड, झरिया बिहार, सुहागपुर झारखंड. ऑप्शन दिया आपका पहला सही है ऑप्शन, फिर दूसरा दिया है 1 और 2, दोनों सही है 1 और 2. उसके बाद 2 और 3 सही है, यानी कि 2 और 3 सही है, फिर 1, 2, 3, 4 चारों ही सही है. इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है. चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर. योर टाइम स्टार्ट नाउ. ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1 और 2. कैसे हो जाएगा, देखो तलचर कोल माइंस कहाँ पे, उड़ीसा में है ना. बिल्कुल इसको याद रखना, क्योंकि ये तो क्वेश्चन आता ही है, कोल माइन से क्वेश्चन आता ही है कि उसको या तो आपको बोल देंगे मैपिंग में समझाने को कि कहाँ पे है, बताइए ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ से वेस्ट, साउथ डायरेक्शन में कहाँ पे, इस टाइप से दे सकता है. या फिर ये पूछ सकते हैं डायरेक्ट कि बताइए ये कोल माइंस कहाँ पे है. तो तलचर कोल माइंस जो है ये कहाँ पे, उड़ीसा में, उड़ीसा के अंगुल डिस्ट्रिक्ट है, अंगुल डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका आ जाएगा ये तलचर. ठीक है, कोल माइंस ये कहाँ, किसका है, ये MCL का है. ठीक है, MCL का है. चिरमिरी की बात करेंगे, चिरमिरी कोल माइंस ये कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है. बिल्कुल सही दिया है यहाँ पे, तो ये SCCL का है. ठीक है, SCCL का चिरमिरी कोल माइंस. उसके बाद दिया है झरिया, तो बिहार दिया है, तो बिहार में थोड़ी ना भैया, झरिया बिहार में है, मतलब हंसी आ जाएगा माइनिंग वाले बच्चों को. झारखंड कहाँ पे है, झरिया झारखंड में है, यानी कि BCCL का है ये. ठीक है, BCCL में है झरिया कोल माइंस. उसके बाद सुहागपुर आता है लास्टली आपका, तो भैया ये झारखंड में थोड़ी ना है, ये कहाँ पे है, ये MP के शहडोल डिस्ट्रिक्ट में है, शहडोल डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ जाएगा ये, है ना, सोन रिवर के किनारे. ओके, तो ये किसका है, ये SCCL का, ये भी SCCL का है. ठीक है, SCCL का है सुहागपुर. यहाँ पे देख पा रहे हो आपका ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, यानी झरिया बिहार, सुहागपुर झारखंड दोनों गलत हो गए, यानी कि CD जो ऑप्शन है आपका गलत दिया हुआ है. तो बचा आपका A और B, तो यही दोनों सही हो जाएगा. तो 1 और 2 इस हिसाब से सही हो गया आपका. ठीक है, तो ये समझना जरूरी था आपके लिए. अब हम बढ़ते हैं आपने क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ. तो ये हो गया आपका आज का 10 कदम राउंड. बताइएगा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है ये बता दीजिएगा. तो एक मोटिवेशन बना रहता है कि नहीं नहीं आप लोग के लिए जो है और बेहतर क्वेश्चन लेके आना है. ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपके लिए ये क्वेश्चन ऑफ द डे. क्वेश्चन क्या है, ड्रिफ्ट इज सोन ऑन माइन प्लेन बाय विच कलर. तो खान तल पर ड्रिफ्ट को किस रंग से दिखाया जाता है, रेड, ब्लू, बर्न, सियना या फिर ब्लैक. ठीक है, तो इसमें कुछ तो आपको यूनिक दिख रहा होगा, तो मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोग बता दोगे. कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए फटाफट क्या होगा यह इसका आंसर. ओके, इसका आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट 10 कदम राउंड में. सो आज के लिए इतना ही रखते हैं. और एक और चीज़ बताना है कि एनसीएल का नॉन टेक्निकल पोर्शन का अगर आपको टेस्ट सीरीज लेना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो. ऊपर नंबर दिया हुआ था, उस नंबर पर जो है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमें. ठीक है, यहाँ पर आप नंबर देख पा रहे हो, ये नंबर है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. और थोड़ी देर में जो है टेक्निकल का भी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाएगा, आप फिर उसको परचेस कर सकते हो. ओके, सो बेसिकली आज के वीडियो में यही करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं और मिलेंगे आपसे अगले क्लास में. तब तक के लिए ध्यान रखिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.